अक्षम्य में आगे बढ़ेंगे। अब बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली पुलिस के उस अफसर को पूछताछ के लिए तलब किया है जिससे 7 हथियार के लाइसेंस पर 8वां लाइसेंस दिलवाया। जिस अब्बास पर दिल्ली पुलिस का अफसर मेहरबान था, जिसके लिए उसने कानून तक को ताक पर रख दिया, उसी लाइसेंस पर असलहा जारी कर दिया जिस पर हथियार जारी नहीं हो सकता था, अब उस अफसर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी पर मेहरबानी करने वाले दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर को एसटीएफ ने पूछताछ के लिए मार्च में तलब किया है। नियम के मुताबिक इंटरनेशनल शूटर के नाम से जारी लाइसेंस पर अब्बास को 7 असलहे खरीदने की इजाजत थी, लेकिन उसने 8वां हथियार भी खरीद लिया था। यह हथियार उसने दिल्ली से खरीदे थे। इधर कासगंज जेल में बंद बाहुबली विधायक अब्बास अंसारी अपने बचाव के लिए सारा जोर लगा रहा है। प्रयाग कांड के 7 अपराधियों में 5 फायरिंग कर रहे थे, एक बम चला रहा था और एक के जिम्मे कार चलाने की जिम्मेदारी थी। मामले में एसटीएफ के साथ लगातार पुलिस की 10 टीमें भी दबिश डाल रही हैं। आपको दिखाते हैं कि 48 घंटे के बाद पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। हालांकि कई बड़े सुराग मिलने की आशंका जरूर जताई जा रही है। खबर ये भी है कि एक सफेद रंग की कार अतीक अहमद के घर के बाहर नजर आई और आशंका है कि उसी सफेद रंग की क्रेटा कार का इस्तेमाल इस वारदात को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। लेकिन बड़े सवाल पुलिस की कार्रवाई पर यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 48 घंटे बीत चुके हैं, कितनी गिरफ्तारी हुई और अब तक कितनी कार्रवाई आगे पहुंची, ये तमाम सवाल हैं जो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। क्योंकि 7 अपराधी हैं प्रयाग कांड के, जिनमें से 5 तो फायरिंग कर रहे थे और एक बम चला रहा था और एक की जिम्मेदारी कार चलाने को दी गई थी। देखिए, अलग अलग ये टीमें बनाई गई थी ताकि अगर एक गलती से फेल भी हो जाए तो फिर उसकी जगह पर कौन किस तरीके से करेगा, ये पूरी जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तो प्रयाग कांड की पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, पूरा पोस्टमार्टम लगातार एबीपी गंगा इस खबर को फॉलो कर रहा है और लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई समेत और अन्य तरह के जो सवाल आप सभी के जहन में हैं, उनके जवाब आपको इन रिपोर्ट्स में मिलेंगे कि आखिर पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, कितनी गिरफ्तारी हुई है, पूरी प्लानिंग किस तरीके से की गई थी और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन ये तो तय है कि अतीक अहमद की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ गई हैं। अतीक अहमद को रिमांड पर लेने की तैयारी में प्रयागराज पुलिस, ये बड़ी खबर इस बीच हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, अब संदिग्धों से लगातार पूछताछ चल रही है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ेंगी, रिमांड पर लेने की तैयारी है प्रयागराज पुलिस। अतीक अहमद को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है और कोर्ट में अर्जी भी दे सकती है इसको लेकर पुलिस। कोर्ट से मंजूरी मिलते ही अतीक को प्रयागराज लाया जा सकता है। देखिए, गुजरात की साबरमती जेल में अभी फिलहाल पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद बंद है, लेकिन तैयारी उसे यूपी लाने की और सबसे पहले अर्जी लगाई जाएगी और जैसे ही कोर्ट से ये मिलती है अनुमति, उसके बाद प्रयागराज लाया जा सकता है अतीक अहमद को और फिर आगे की जांच इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है। यानी कुल मिलाकर अतीक अहमद की मुश्किलें अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उमेश पाल के परिजनों ने भी अतीक अहमद का ही हाथ इसके पीछे बताया है और लगातार जिस तरीके से सबूत अभी तक पुलिस के हाथ लगे हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट अतीक अहमद का इस पूरे मामले में कितना है, इसको लेकर तफ्तीश पुलिस की तरफ से जारी है और अब तैयारी है अर्जी डालने की, यानी कि अतीक अहमद को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल सकती है पुलिस, जिसके बाद जब जैसे ही अनुमति मिलेगी और वैसे ही आगे ये पूछताछ अतीक अहमद से शुरू होगी, यानी कि अतीक अहमद को रिमांड पर लिया जा सकता है कोर्ट से मंजूरी मिलते ही। उमेश पाल हत्याकांड में 7 लोग शामिल थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एडीजी एसटीएफ अब अमृत अभिजात ने प्रयागराज में डेरा डाल दिया है। अब तक अतीक के बेटों समेत 20 से ज्यादा संदिग्धों को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है। प्रयागराज में उमेश की हत्या करने वाले बदमाश ये तय करके आए थे कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन उमेश की हत्या करनी ही है। ज्यादातर आरोपियों ने चेहरा नहीं छुपाया। बदमाशों के 3 गुट थे, बदमाशों की कुल तादाद 7 की थी, एक के जिम्मे ड्राइविंग थी, 5 फायरिंग कर रहे थे जबकि एक बम चला रहा था। इन्होंने तैयारी कुछ यूं कर रखी थी कि एक टीम अटैक कर रही थी, दूसरी टीम कवर दे रही थी और तीसरी टीम भीड़ को रोक रही थी। सबसे पहले इस लाल रंग की बाइक को देखिए, इस पर 2 बदमाश सवार हैं। इसके ठीक बगल में एक बदमाश पैदल चल रहा है जबकि दूसरी तरफ चल रही कार में 3 बदमाश हैं।
इन सब के बीच एक बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में खड़ा है। पैदल चल रहा बदमाश पहली गोली चला रहा है, उसका साथ दुकान में खड़ा बदमाश देता है। बाइक से ये उतरता है, इसके हाथ में बम है। आगे बढ़कर ये बम चलाने निकल जाता है, जबकि बाइक पर बैठा बदमाश अलर्ट है। अब कार रुकती है, उससे दो बदमाश निकलते हैं। एक बदमाश उमेश पाल की तरफ बढ़ जाता है, जबकि दूसरा पीछे भीड़ की तरफ बंदूक तान देता है। भीड़ को भागने के लिए राइफल लिए हुआ अपराधी फायरिंग रोक देता है और लोगों को वहीं रुके रहने के लिए कहता है। देखिए किस तरीके से राइफल लिया हुआ ये बदमाश बीच रोड पर चारों तरफ देख रहा फायरिंग कर रहा है, जबकि दूसरा शख्स बम फेंकने में जुटा है, जिससे कोई नजदीक ना आने पाए। ये वो टीम है जो सबको कवर दे रही है। रोड पर फायरिंग हो रही है और लगातार गोलियां दागी जा रही हैं। अब वारदात के बाद बदमाश भाग रहे हैं। रोड की दूसरी तरफ तेजी से आती इस कार को गौर से देखिए, ये वही सफेद कार है जिससे कुछ ही देर पहले सभी अपराधी उतरे थे। ये कार आगे रुकती है, सभी बदमाश तेजी से कार में सवार होकर फरार हो जाते हैं। अभी रोड पर ट्रैफिक रुका हुआ है और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि करें तो क्या करें। इस घटना के बाद राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने परिवार से मुलाकात की। उमेश राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह और पूजा की सगी बुआ के लड़के थे। वे धमकियों के बावजूद बहन को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहे। पूजा पाल ने अपनी जान को खतरा बताया है। और मैं भी लखनऊ में थी, मेरा भी राजू पाल जी वाला मर्डर वाला मुकदमे का जीरा चल रहा था मेरा खुद का। परसों मेरा पूरा कंप्लीट हुआ, कल सदन एक दिन कर पाई हूँ। और सीबीआई का क्योंकि जांच हुआ है तो सीबीआई वालों ने मना कर दिया कि मैडम आपको ऐसे नहीं निकलना बिना हम लोग के सुरक्षा दिए हुए, तो उन्हीं का बात मान के मैं रुकी हुई थी। मगर फिर देखा इधर बहुत वो, तो फिर मैं इधर आ गई, मुझसे नहीं हो रहा। अतीक अहमद के चकिया वाले घर के पास खाली प्लॉट से क्रेटा कार मिली थी। अतीक अहमद के घर तक शूटर इसी क्रेटा से पहुंचे। यहां से दूसरी गाड़ी में शक है कि वो कौशाम्बी की तरफ भाग निकले। पूरा मुफ्ती कौशाम्बी में घंटों सर्च अभियान चलाया गया है, हालांकि अभी तक शूटरों के बारे में सुराग नहीं मिल पाया है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो देखा आपने, संदिग्धों से पूछताछ जारी है। अतीक अहमद के घर के बाहर एक बड़ा सुराग मिला है। 10 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। 48 घंटे के बाद अब पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है वो इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज में बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से संगम नगरी में कोहराम मचा हुआ है। हर आंखें नम है और हर कोई गमजदा है। इलाके के किसी भी घर में तीसरे दिन भी चूल्हा नहीं जला है। योगी जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि परिवार को सुरक्षा और आगे हर चीज की दोषियों की सजा और आर्थिक सहायता की जाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने उमेश पाल के परिवार वालों से मुलाकात करके हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि माफिया अतीक अहमद का खेल खत्म होने वाला है। परिवार से आज मैं संवेदना प्रकट करने आया था और ये भी बताने आया था कि पूरी की पूरी योगी सरकार आपके साथ खड़ी है। तो इसमें आज तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मगर हाँ, जहाँ तक कि सरकार का विषय है, सरकार जो है इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और योगी जी स्वयं इस पर बोल चुके हैं कि ये जो उन्होंने जो दुष्कर्म किया है उनको वो मिट्टी में मिलाएंगे। वहीं पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात की गुहार लगाई है। परिवार चाहता है कि बचे हुए लोगों की सुरक्षा और उमेश की पत्नी को नौकरी और मदद मिल जाए। इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है, इसमें दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल की हत्या का खुलासा करने के लिए यूपी एसटीएफ भी एक्शन में है। एसटीएफ की टीम लगातार छापे मार रहे थे।
एसटीएफ के तेज तर्रार अफसरों को खुलासे के लिए लगाया गया है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। चलिए अक्षम्य में आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल की हत्या के बाद से पूरी संगम नगरी में कोहराम मचा हुआ है। हर आंख नम है, हर कोई गमजदा है। इलाके के किसी भी घर में तीसरे दिन भी चूल्हा तक नहीं जला। प्रयागराज में 47 सेकेंड का तांडव, 48 घंटे बाद भी जांच के हाथ खाली। शिकंजे से दूर बदमाश और बमबार, लगातार जारी संदिग्धों से पूछताछ। डॉन के घर के पास मिला एक सुराग, क्या यहीं से निकले वारदात के तार? केवल 47 सेकेंड में हुई फायरिंग और बमबाजी ने ऐसी दहशत फैलाई है कि जिसकी धमक कमजोर पड़ने में काफी वक्त लगेगा। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। 10 टीमें लगातार दबिश मार रही हैं। जांच टीम ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। बीजेपी का एक पदाधिकारी भी हिरासत में लिया गया है। ये बीजेपी नेता सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे एक शूटर का करीबी बताया जा रहा है। इसके साथ ही इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के बेटों को घटना के दिन से ही हिरासत में ले रखा है। संगम नगरी प्रयागराज में फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतारे गए उमेश पाल और उनके सरकारी गनर की सनसनीखेज हत्या का आज तीसरा दिन है। हालांकि आज तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। पुलिस अभी तक ना तो किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी कर सकी है और ना ही सीसीटीवी फुटेज में जो हमलावर नजर आ रहे हैं, जो शूटर नजर आ रहे हैं, उनकी पहचान हो सकी है। इससे जो परिवार के लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, उनमें नाराजगी है और वो पुलिस से यही सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिरकार आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल लगातार किया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के घर के पास से एक संदिग्ध कार बरामद की है। आशंका है कि वारदात में इसी कार का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद बदमाश कार को छोड़कर किसी दूसरे वाहन से फरार हो गए। सफेद रंग की इस क्रेटा कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी है। पुलिस जांच में ये कड़ी अहम साबित हो सकती है। घर के पास से बिना नंबर की क्रेटा कार मिलने के बाद अतीक के परिवार पर पुलिस का शक और गहरा गया है। घटना को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उनमें भी एक सफेद रंग की क्रेटा कार नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल को 7 गोलियां मारी गई थी, जिसमें 6 शरीर के पार निकल गई जबकि 1 गोली शरीर में फंसी हुई थी, जिसका एक्सरे से पता चला था सभी गोलियां पिस्टल से मारी गई थी। इसके साथ ही 13 जगह चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मौके से 9mm की पिस्टल के खोखे बरामद किए थे। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने प्रयागराज की घटना में माफिया अतीक अहमद के स्थानीय समीकरण जल्द सबके सामने लाने की बात कही है। डीजीपी ने कहा है कि प्रयागराज में पुलिस की मल्टीपल टीम काम कर रही है, एसटीएफ के साथ अन्य एजेंसियां सक्रिय हैं और जल्द ही इस केस को सही अंजाम तक ले जाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।